18 साल में कौन शादी करता है, उसमें तो सब प्यार ही करते हैं। जब उनकी मर्जी हो तभी शादी होनी चाहिए। 18 साल में लड़कियां बहुत कम उम्र की होती है, उतनी समझ नहीं होती कि अब घर कैसे चलाए, गृहस्थी कैसे चलाए। हाँ, प्यार जब हो जाए, प्यार जब हो जाए, 60 साल में उम्र हो जाए, 50 साल में हो जाए। Maybe 22-23 years. जब इंसान अपने पैरों पे खड़ा है तब उसको शादी करना चाहिए। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक। हिंदुस्तान के हर प्रदेश में इस वक्त चर्चा हो रही है कि आखिर शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, सही शादी की उम्र क्या है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। यूनिवर्सिटी में मौजूदगी है मेरी, जरा पूछते हैं लोगों से कि क्या सही वक्त होता है शादी के लिए, एक शादी के लिए क्या एक सही एज होनी चाहिए महिलाओं के लिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़की को, किसी पर डिपेंड ना करे, बट पढ़ने का उम्र भी तो उसको मिलना चाहिए ना समय, तो एटलीस्ट 25 ईयर्स में शादी। थिंक क्या एज होना चाहिए, लड़कों को ही बताइए और लड़कियों का ही बताइए। लड़कों में तो 26 और 27 तक तो ठीक है, तब तक समझ आनी चाहिए। लड़कियों की जब तक समझ नहीं बढ़ती है, जैसे इन्होंने कहा 25-24 एटलीस्ट। आपको क्या लगता है, आपने कहा लड़कियों की जब तक समझ नहीं बढ़ती, लड़कियां ज्यादा समझदार होती है कि लड़के जल्दी समझ पे आने के बाद तो दोनों हो जाते हैं ना। कौन सा एज होना चाहिए? 25 तो होने चाहिए लड़कियों क्योंकि हाँ दोनों का ही नॉर्मल है। व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड? एक्चुअली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक after studies everyone can get married because of the they are independent from parents. I think it may be 25-26, that's the suitable age for get married. Think, what is the right age to get married, especially for women? Actually there are multiple dimension to it. So biologically we are capable of like engaging in that intercourse or whatever, we are fit right since like 16 or 17 years of age. But there are other dimensions, there's career dimension, educational dimension, psycho-emotional dimension, and it has been time and again proven that with age you become more emotionally and psychologically capable of getting married. So it should be at least like above 25, and moreover if we see the education system of ours, like even the basic degree, it takes around 22 to 24 years of age to attain the government should change the age criteria for getting married. Yeah, definitely it should be revised and it should be above 21 in any case. क्या लगता है सही उम्र क्या होना चाहिए शादी? अब आपको लगे कि आप मैच्योर हो गए तब आपको शादी करनी चाहिए, एज बताइए। एज तो 28-29। और 18 साल अभी जो लीगली है उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्या एज होना चाहिए सही शादी? 25 के बाद। और 18 साल अभी जो उम्र है उससे आप आपको लगता है कि 18 साल को बढ़ाना चाहिए? बहुत कम एज है। सरकार से कहना चाहेंगे कि 18 साल से आगे किया जाए? ऑब्वियसली। क्या लगता है एक सही एज क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? जब आप फाइनेंशियली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं। एज बताइए। और एज अकॉर्डिंग टू मी रिप्रोडक्टिवली आप 26 तक आपको शादी कर लेनी चाहिए। 27 हाँ। गवर्नमेंट 18 साल किया हुआ है निर्धारित, उसको बदलने की जरूरत है? हाँ, वक्त आ गया कि उसको बदला जाए। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से बस यही कहना चाहेंगे कि वैसे तो वो काफी गर्ल्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है और उसको आगे बढ़ाने के लिए स्टेप्स बहुत सारे ले रही है, लेकिन इस चीज पे भी अब उन्हें सोचना चाहिए कि मतलब क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स और जो उनके बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हीं को सोसाइटी फॉलो करती है, एक सोच बन जाती है उनसे। क्या लगता है एक शादी के लिए सही एज क्या होनी चाहिए? 26 के ऊपर। 26 के ऊपर, ऐसा क्या बदलता है 26 में? मैच्योर हो जाता है इंसान। अभी 18 साल है तो उसको बदलने की जरूरत है? हाँ, क्या कहेंगे सरकार से? बदला जाए, जल्दी बदला जाए, जल्दी बदलना जरूरी है क्योंकि अभी तो 18 साल कम उम्र होता है आपको? बहुत कम है, बहुत ज्यादा। आपने क्या 26 बताई ना? हाँ, 26 साल में बेहतर आपको लगता है कि अब महिलाएं एकदम बेहतर सुदृढ़ हो जाती हैं कि वो सही से घर चला सकती हैं और सोसाइटी में काम कर सकती हैं? जब उनकी मर्जी हो तभी शादी होनी चाहिए। शादी के लिए सही एज क्या होनी चाहिए स्पेशली फॉर वुमेन्स? 25-26। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है लड़कियों के अंदर, उन्हें बात करने का तरीका आ जाता है, तो इसलिए 26-27। 18 साल रखी गई है, बदलाव की जरूरत है ऑफ कोर्स।
लेकिन कोई 18 में अब कोई कहाँ करता है, लीगल एज तो 18 साल है ना। बहुत सारे लोग अभी भी गांव में आप देखेंगे तो 18 साल में शादियां हो जाती हैं। आपको लगता है उसको रोकने की जरूरत है? ऑफ कोर्स रोकने की जरूरत है। शादी के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए? 18 to 28। 18 साल तो अभी लीगल है। 18 हाँ। साल में कहते हैं बच्चियां प्रोग्रेसिव हो जाती है, लेकिन आपको लगता है उसमें बदलाव की जरूरत है अभी? हाँ होनी चाहिए, क्योंकि एज के लिए अभी, क्योंकि मैं भी अपने आसपास भी देखती हूँ ना, तो वो 18 से ज्यादा कम की ही होती है, 14 की होती है, 15 की होती है, वो मैरिड है। तो ये चीज उनको ही बतानी मतलब पेरेंट्स को आई थिंक बतानी चाहिए कि नहीं ये सही टाइम नहीं है, आप पहले आप एजुकेटेड हो जाओ, उसके बाद आप एक मतलब आई थिंक 18 भी कम 20 तब आप मतलब एडल्ट हो जाओगे, आपको हर चीज पता होने लगेगी, उसके बाद अगर मैरिड तो काफी आई थिंक सही एज क्या अगर चाहें कि वो एज सही एज है करने के लिए तो 26 होना चाहिए। हाँ 26 से 28। क्या लगता है सर शादी के लिए खासतौर पर महिलाओं के लिए क्या सही उम्र होनी चाहिए? 20 से 21 होना चाहिए ना जी। उतना ठीक है महिलाओं? हाँ उतना ठीक है। 18 साल अभी रखी जाती है तो उसको बदला बहुत जगह तो होता 18, 17, 15 में भी कर देते ना। हाँ इंडिया की बात, हाँ इंडिया की बात करें हम देख रहे हैं ना। हाँ लगता है 18 साल सही एज है या फिर इसको बदलने की जरूरत है? देखो शादी तो एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है, तो सभी अपने पर्सनल चॉइस जब रेडी होते हैं फाइनेंशियली मेंटली तब शादी करते हैं, और वरना अगर इंडिया का देखे तो इंडिया में तो बहुत लिटरेसी कम था ना, अभी ज्यादा लिटरेसी हो गई है, तो क्या करते हैं माता पिता सही समय पे शादी करते हैं अपने बच्चों का। होना चाहिए सही समय? सही समय तो ग्रेजुएशन के बाद में, जब अपने खुद पैर पे खड़े हो जाए तब। अभी मेजोरिटी ऑफ पीपल की बात करें, गांव में भी है, यहाँ गांव भी है शहर भी है, तो अगर सरकार एक बदले एज तो कौन सा वो नंबर होना चाहिए जो सरकार दे की इस एज में करनी? अच्छा अभी का क्या है? 18 साल। अभी 18 साल 20 साल तो होना चाहिए। 20 साल जी। आपको क्या लगता है? 25 ये अलग, आप सब फैमिली हो? अच्छा पेरेंट्स हो आप इनके? देखिए इन्होंने बोला 22 साल, इन्होंने बोला है कि 20 साल, और आप कह रहे हैं 25 साल। क्या बदलता है 25 साल? 25 साल में जैसे लोग ज्यादा मछुआ हो जाते हैं, खुद के पैरों पे तब तक खड़े हो सकते हैं, फिर अगर फैमिली भी प्लान कर सकते तो 18 साल में क्या दिक्कत है? 18 साल में लड़कियां बहुत कम उम्र की होती है, उतनी समझ नहीं होती कि अब घर कैसे चलाए, गृहस्थी कैसे चलाए, तो अगर पैसा नहीं होगा तो हमेशा अपने हस्बैंड के बल पे तो नहीं खड़े रह सकते ना। अच्छा हेल्थ इश्यूज भी तो आते हैं फिर? हाँ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, लड़कियां बहुत कम उम्र में अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो आगे चल के उनको बहुत सी ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए? ऐसे तो मतलब 25। लड़कियों के लिए बता रहे हो? लड़कियों के लिए भी 25 ही। लड़कों के लिए? हाँ 25। हाँ प्यार जब हो जाए, प्यार जब हो जाए, 60 साल में उम्र हो जाए, 50 साल में हो जाए, तो 18 साल रखी गई है तो 18 साल में भी तो प्यार हो सकता है? नहीं नहीं हम लोग को तो नहीं हो पाया अभी तक। सारे वाला प्यार शादी के लिए नहीं होता? नहीं वो चल नहीं पाएगा ना। क्या लगता? नहीं जब इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो तब उसको शादी करना चाहिए। दोस्त के साथ प्यार हो जाए तब करना चाहिए? अरे प्यार में सब कुछ नहीं होता ना, प्यार से जिंदगी नहीं चलती। होना चाहिए मैं कर लेना चाहिए, एक नंबर बताओ। नंबर लाइक पढ़ाई कर रहे हो, हाँ आप लग 25-26 साल हो गए, अगर आप जिस भी एज में स्टैंड करते हो, जिस भी फाइनेंस स्टैंड करते हो, आपको कर लेना चाहिए वहाँ पे। गवर्नमेंट से अगर आप कहें कि बदलाव हो तो कौन से नंबर को आप चाहेंगे कि पूरे इंडिया के लिए ये रखा जाए इसी नंबर पे अभी इस वक्त बदलने के लिए? 25 ही। 25 लड़की और लड़कों के लिए? हाँ। शादी के लिए क्या उम्र होनी चाहिए सही? 24-25। लड़कियों के लिए बताएंगे लड़के के लिए? लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए? लड़के के लिए क्या? 28। आपको क्या लगता है शादी के लिए सही उम्र क्या है? गर्ल्स के लिए 26 होना चाहिए और बॉयज के लिए 28 होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अगर ये 25 या 24 मम्मी पापा की नजर में, अगर लड़कियों अगर लड़कियां कुछ बन जाए वही उनकी एज होनी चाहिए शादी के लिए, जैसे कि अगर वो 30 में सक्सेस हो रही है तब वो शादी कर लें। आपके मतलब सक्सेस पर निर्भर करता है कि शादी कब करनी है? होनी चाहिए देन वो करे शादी, गवर्नमेंट हो जाए बिल्कुल अच्छे से सक्सेस हो जाए फिर करे। 18 साल में तो अभी तो लीगल एज रखी गई है। 18 साल में कौन शादी करता है, उसमें तो सब प्यार ही करते हैं, वो अट्रैक्शन होता है जो हो जाता है, बट वो सही टाइम नहीं है। जब तक हम अपने पैर पे स्टैंड नहीं हो जाते हैं गर्ल्स बॉयज, तो अट्रैक्शन वो होता रहता है इस एज में, लेकिन एक रियल एज देखा जाए तो आपका 24
गर्ल्स के लिए है तो 26 बॉयज के लिए, लेकिन वो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल, दोनों दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। क्या लगता है सही एज क्या होनी चाहिए शादी की महिला? 28 होनी चाहिए। 28 क्यों? 28 क्योंकि महिला हमेशा मेंटली प्रिपेयर नहीं रहती हैं, उनको भी अपनी लाइफ के लिए थोड़ा ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टाइम चाहिए, और मास्टर्स के बाद हर एक महिला थोड़ा एक प्रिपेयर हो जाती है, हर चीज को देखने के काबिल हो जाती है, एटलीस्ट वो रास्ते पे अकेली तो निकल ही सकती है रात में भी, तो मेरे हिसाब से 28 विल बी बेटर। अरे अभी लीगल एज रखी गई है, चर्चा हो रही है कि बदलने की जरूरत है, तो आपको लगता है कि 28 ही आप कंसीडर करना चाहिए गवर्नमेंट को? नहीं, 21 ज्यादा कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारी लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, और फिर फैमिली का भी प्रेशर है। फैमिली का प्रेशर है लड़कियों पर शादी का? एज का तो हो ही जाता है। क्या हो जाता है? बहुत सारे लोग ये भी, क्योंकि अभी आपने 28 कहा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अभी कंसीविंग में इशू आ रहे हैं लोगों को, लोग IVF की तरफ जा रहे हैं या सरोगेसी की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से भी जल्दी शादियों की बात हो रही है? नहीं, तो 18 से 21 में अगर हो रही है शिफ्ट तो इसमें कंसीविंग के इशू 28 वाले में फैमिली पर से प्रेशर ना हो तो ज्यादा बेटर है, एज होना 28 ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर गवर्नमेंट 18 से 21 पे शिफ्ट कर रही है तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसे भी रोकने का एक ये भी पॉइंट है मेरी तरफ से। व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड? मे बी 22-23 इयर्स। व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड? 28-29 यस। शादी की सही उम्र को लेकर के तमाम बातें, तमाम चर्चाएं अक्सर देश में चलती ही रहती हैं कि आखिर सही वक्त क्या है शादी के लिए। महिलाओं के लिए 18 साल का लीगल एज रखा गया है, लेकिन क्या अब इसमें बदलाव की जरूरत है भी कि नहीं? जैसा आपने देखा कि कैसे बच्चियों ने खास तौर पर बताया कि एज को बदलने की जरूरत है, वक्त आ गया है कि अब बदला जाए, क्योंकि 18 साल में मैच्योरिटी नजर नहीं आती महिलाओं में खास तौर पर, और उसके साथ ही सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में भी इश्यूज आते हैं। 18 साल में